हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम है तो नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारे फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम होती है या फिर इंटरनेट प्रॉब्लम है तो उसको आप कैसे ठीक कर पाएंगे वीवो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन आएंगे, सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम है तो नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली फ़ोन की सेटिंग्स है शो हो रही है तो आपको सर्च करना है नेटवर्क। सिंपली सेटिंग शो हो गए तो यहाँ से बैक करना है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आपको सर्च करना रीसेट। जब आप रीसेट सेटिंग्स को ओपन करते हैं तो रीसेट ऑप्शन आपके फ़ोन में ओपन हो जाता है, जहाँ से आप नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आपको सेटिंग्स को ओपन करना है और जो भी नेटवर्क की सेटिंग्स से या इंटरनेट सेटिंग्स है उसको यहाँ से रीसेट कर देना है। जब आप इंटरनेट या नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कर दोगे तो हमारी नेटवर्क प्रॉब्लम या इंटरनेट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप इंटरनेट या नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप इंटरनेट वगैरह भी चला सकते हैं। और साथ में देख सकते हैं कि आप यहाँ से भी नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। जब नेटवर्क इंटरनेट पे जाते हैं तो यहाँ से जाकर आप सिम कार्ड सेटिंग्स को ओपन कर लेना है, जहाँ से एक्सेस पॉइंट सेटिंग को आपको रीसेट कर देना है। जब आप एक्सेस पॉइंट सेटिंग्स को रीसेट कर दोगे तो इसके जरिए भी आप इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और नेटवर्क प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो चले तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।